और आई होप यू आर हैविंग अ ग्रेट संडे. इवन आई वॉज हैविंग अ ग्रेट संडे एंड आई ऑल दिस वाइल आई हैड ऑल्सो बीन फॉलोइंग अप. मैं सुशांत सिंह राजपूत का भी जो अनफॉर्चुनेट इवेंट हुआ था वेर ही पास्ड अवे वो देख रहा था. एंड आई हैव ऑलवेज ट्वीटेड, आई हैव ऑलवेज शोन सपोर्ट इन वॉरियर्स फॉर SSR एंड वॉट एवर हैड हैड हैपेंड. मतलब वो एक ऐसा इंसान था जो जो काफ़ी सक्सेसफुल हुआ, काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ. आई मीन एंड ही डिडंट हैव अ गॉड फादर, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था. आई मीन नेपोटिज्म के होते हुए भी समन हु रोज. एंड आई थिंक अगर SSR को जस्टिस मिलती है तो इंडिया को जस्टिस मिलती है. आई थिंक हमें ये सोचना चाहिए. एंड आई थिंक मैंने अभी एक रिसेंटली एक ट्वीट भी किया है. आई थिंक मैं जो हमारे इश्करण भंडारी हैं उनको भी, मैं उनके भी देखता रहता हूँ वीडियोस काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब पे. और मैं काफ़ी प्रभावित हुआ हूँ रिसेंटली और थोड़ा डिस्टर्ब भी हुआ जान के. मैंने काफ़ी सारी डिटेल्स को देखा परखा. आई आई एम नॉट द बेस्ट पर्सन टू कमेंट बट आई रियली फील फॉर सुशांत सिंह राजपूत एंड आई एंड आई रियली होप कि आप लोग भी इसमें जुड़े. एंड आप ट्विटर पे जाके मेरे ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं. एंड बाकी जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनको भी मैंने रिक्वेस्ट किया है कि एटलीस्ट यू नो दे शुड ऑल्सो हैव अ वॉइस एंड ट्वीट दैट. तो है ना, लेट्स होप फॉर जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत. आज का हैशटैग था आई एम सुशांत. आई थिंक 1 लाख+ लोगों ने उसको यूज़ किया है. बहुत अच्छी बात है. इट्स अ सैड थिंग बट मुझे लगता है कि जस्टिस मिलेगी. काफ़ी सारी चीज़ें थी इसमें, मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा इसकी डीप में मतलब रिसर्च की एंड आई अंडरस्टूड दैट देर वॉज अ लॉट ऑफ आउट प्ले. मतलब ऑब्वियसली मेरे को ईजिली विजुलाइज हो गया था ये चीज़. मतलब इट वॉज अ वेरी, मतलब अगेन किसी चीज़ की प्रॉबिबिलिटी होने, मतलब इतने सारे इवेंट्स की प्रॉबिबिलिटी होना मतलब एक साथ. अगेन लेट्स नॉट गेट इन टू इट. आई डोंट वॉन्ट टू कॉमेंट इन अबाउट द डिटेल्स क्योंकि उसके लिए हमारे मीडिया के लोग हैं एवरी वन. बट आप लोग प्लीज़ इसको सपोर्ट ज़रूर करना, है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग बोले ना, ठीक है. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. इट्स नॉट अबाउट जस्ट वन पर्सन और वन वेरी प्रोमिनेंट पर्सन और अबाउट वन एक्टर. इट इज़ अबाउट द इंटायर जस्टिस सिस्टम. क्या हम सब लोग सेफ हैं या नहीं है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना. ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई बहुत पावरफुल है इसके पीछे. आई थिंक डरना कभी नहीं चाहिए यार, ठीक है. चलो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर और रीट्वीट ज़रूर करना. ओके चलो, आई हैव डन अ ट्वीट ऑन ट्विटर, आप जाके जाके चेक कर सकते हैं.